गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एवरी वन. गॉड ब्लेस यू. सो अभी मैं सो के उठी हूँ. इट्स 7:50 एंड 8 बजे. अभी फिलहाल मेरे को बहुत भूख लगी है तो मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने. ब्रेकफास्ट करके 8:30 तक आई गो एंड टेक बाथ एंड 9 बजे तक आई बी गेटिंग रेडी एंड लिविंग फॉर माई वर्क. लुक एट माई लिप्स, कितने पिंक हो गए ना. मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है. ब्यूटी. और हाँ, ये भी थोड़ा ठीक हो गया पर इससे दवाई काफ़ी असर किया है. जो कल मैं दवाई लाई थी ना, वो सेम दवाई नहीं मिली मुझे जो मैं लगाती हूँ. यहाँ पे वो थी नहीं तो उसके साथ की दवाई लाई, मतलब वो भी सेम असर करती है. काफ़ी फर्क पड़ गया कल से. बस ये भी एकदम ठीक हो जाएगा और ये चला जाएगा बहुत जल्द. अभी मैं सुबह उठ के सबसे पहले जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने. तो सीधा मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने के लिए. वेरी स्लीपी. मैंने अभी अपना एसी वेसी सब बंद किया है यार, बहुत ठंडी हो गई थी पता है. मैं ज़्यादा एसी में सोती भी नहीं हूँ. मुझे ज़्यादा एसी पसंद नहीं है. मैं सिर्फ फ़ैन में ही सोती हूँ. यू नो मेरी मॉम बोला करती थी कि एसी से बॉडी में पेन होता है और हड्डियों में भी दर्द होती है ज़्यादा एसी में रहने से. चलो सी यू गाइस सीधा ब्रेकफास्ट पे. आई लव यू. गॉड ब्लेस यू. तो लगने नहीं वाला है वर्कआउट करने का, इसलिए मैंने थोड़ा स्ट्रेच कर लिया सुबह ही ताकि बॉडी अच्छी फील हो. आई एम गोइंग नाउ. सीधा मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे पहुंच के. बाय. मैं ये खा रही हूँ. फिर मैंने एग भी मंगवाया है ऑमलेट एंड खा के फटफट रेडी हो गया. हैव टू गो. हाय ऋतिक रोशन. गॉट माय ऑमलेट. ये बहुत टेस्टी है और ये चटनी भी बहुत टेस्टी है.
स्पेशल साउथ इंडियन, बड़ा माय फेवरेट यहाँ का बड़ा ऐसा। ये बड़ा नहीं है, पता नहीं क्या। तो ब्रेकफास्ट हो गया डन, अब मैं फटफट भाग रही हूँ, फटफट चक्के नहाना है मुझे, रेडी होना है। आई हैव ओनली 20 मिनट्स लेफ्ट, 9 बजने में मुझे टाइम पे पहुँचना। सी यू गाइज, फट से रेडी होके। ओके, आई लव यू। सो गाइज, मैं रेडी हो रही थी और ये देखो, ये भी बहुत थोड़ा सा खून निकला है, दो तीन बार मैं इसको वो कर चुकी हूँ ताकि ये ज़्यादा लगे नहीं। ये देखो, अब इस पर मैं फट से क्रीम लगाने वाली हूँ ताकि मुझे दर्द ना हो और ये खून यहीं पे रुक जाए। एक बार पता है कितना सारा निकला था गाइस, इतना सारा खून निकला था ना, ये तो अभी थोड़ा सा सिर्फ इतना ही है ना, यहाँ तक था और खून ही निकली जा रहा था और मैं डर गई थी उस टाइम पे, बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट। कहते चलो ठीक है, थोड़ा सा लगा है, ठीक हो जाएगा। अभी मैं बस रेडी हो गई हूँ एंड आई एम वेयरिंग दिस टुडे। और फिलहाल का प्लान है, 9 बज गए हैं, मैं निकल के मैं आपको अभी ये क्रीम लगा के मिलती हूँ बहुत जल्द। बाय। हाय गाइस, सो मैं अभी हो चुकी हूँ रेडी अच्छे से, पर बाल ना बहुत फ्रीजी हो गया, मुझे शैम्पू लेके नहीं आएगी ना, तो यहीं का शैम्पू यूज़ किया, यहाँ के शैम्पू से थोड़े से फ्रीजी हो गया। मैं आराम से यहाँ पे लेटी हुई थी, बस 15-20 मिनट में आई एम गोना लीव। सी, बाल दिख रहे हैं, अजीब से हो गया ना, बट ठीक है, कोई बात नहीं, डार्क सर्कल भी दिख रहे। एनीवेज, मैं अभी से अभी निकल रही हूँ 10 मिनट में आई एम लीविंग, गोइंग फॉर माय शूट। मैं रेडी हो चुकी हूँ, 10 मिनट तक आई एम गोना रेस्ट और मैं एडिट करके रात को ही व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया था, नाउ आई एम गोना पोस्ट दैट व्लॉग। और आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड हो गया है ना, कितना अच्छा होता है ना, सुबह सुबह जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड हो जाए, रात को अपलोड करके सो जाओ, सुबह बस एडिट करके जो डालना है पिक्चर कवर एंड नाम वगैरह वो डाल दो तो सही रहता है ना। चलो मैं मिलती हूँ तुम्हें लेटर, बाय गाइस, लव यू, गॉड ब्लेस यू। सो फाइनली आई एम लीविंग नाउ गाइस, मैंने ये ऊपर टॉप पहन लिया। कॉफी पी के नींद खुल गई है। मुझे सीरम मिल गया था, मैंने बालों में सीरम लगा लिया, तो अभी थोड़े इतने ज़्यादा फ्रीजी नहीं है। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय आउटफिट्स टू कम। मैंने अभी इसमें एक रील बनाई है एंड बहुत अच्छी सी डाली है, मज़ा आया रील बनाने में बहुत। नाउ वी आर प्लानिंग के अच्छे से कहीं पे, यू नो, ये पूरा स्टूडियो है हमारे पास तो हम रील्स बना सकते हैं एंड जब तक फोटोज़ क्लिक नहीं हो रही हैं तब तक। सो ta-da! See you guys later. Bye! So I am wearing this as my first look and let's go to my sirakke. Ta-da! Ta-da! अभी हमने यहाँ पे बहुत मस्त मस्त वीडियोज बनाई हैं, तो ये मुझे सेंड करने वाले हैं। आई एम गोना यूज दैट ऑन माई इंस्टाग्राम रील्स। सी यू गाइस, बाय। मैंने अभी चेंज कर लिया ये, इसने आई एम गोना शूट नाउ, दिस इज माय सेकंड लुक। सो गाइस, ये फैन बहुत ही मस्त है, इससे मैंने, इससे मेरी पलके सुखाई गई थी, बट मैं हवा लेके दिखा रही हूँ, सो फैन यहाँ से हवा आती है।
बहुत मस्त है ये, गर्मी में ठंडक का एहसास वैसे ही आना है जस्ट शोइंग दिस प्रोडक्ट। और टेस्ट भी इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। दैट्स माय एब्स, वन मिनट केस के लिए फिगर बहुत ही मस्त दिख रहा है स्ट्रेस में। एंड या मुझे अभी अपना क्या करना है, अंडर आई थोड़ा ठीक करवाना है एंड देन आफ्टर दैट शूट। बाय बाय। ओके बाय। माय नेक्स्ट लुक, और ये साड़ी इतनी प्यारी लग रही है ना, जब आपको पिक्चर्स देखोगे ना तो आपको पता चलेगा इनकी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। जैसे कि ब्यूटीफुल है वैसे इनके आउटफिट्स भी वेरी ब्यूटीफुल। एंड शी इज हेल्पिंग हर लाइक जॉब पे, डिजाइन शी इज आल्सो हेल्पिंग। थैंक यू। ये है मेरा सेकंड थर्ड लुक। लुक एट दिस लहंगा, यू कांट टेक योर आइज ऑफ गाइस, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझ पे। ये लहंगा ही बहुत प्यारा है, है ना, बहुत सुंदर है ना। जब कल फिटिंग की थी मुझे ये बहुत प्यारा लगा था, जाओ। और ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब सारे आउटफिट बहुत अच्छे हैं बट इसमें पूरी कढ़ाई है। पूछ रही इतना जल्दी कैसे, ये पूरा कढ़ाई से, ये सारा हैंडवर्क है गाइस, सो इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। सी यू लेटर, बाय। सो माय शूट इज डन, आई एम हैविंग मैक स्पाइसी। चाय आई है, चाय नींद खुल जाएगी अभी। So guys, I'm done. मेरा आज का हो गया है पैकअप। Now I'm wearing my shoes and बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके। Oops, tissue. One second, wait. और अभी फिलहाल मेरा प्लान मीटिंग्स थी बट वो कैंसिल हो गई है बिकॉज लेट। सो कल पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स होंगी। एंड जो अर्बन सिलाई के ऑनर हैं उन्होंने मुझे घर पर बुलाया डिनर के लिए। सो माई नेक्स्ट प्लान इज सीधा उनके पास डिनर पे। And I'm gonna see you guys super soon after my dinner or maybe dinner से पहले। So yeah, take care guys and हाँ, मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया एंड हमने बहुत मस्ती की सेट पे, बहुत ज्यादा शूट पे एंड इट वॉज रियली रियली फन गाइज। और मेकअप बहुत अच्छा किया था आपने। एंड आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है अगर किसी को फॉलो करना हो? प्रशांत मेकअप आर्टिस्ट, एंड मेकअप आर्टिस्ट प्रशांत, यस बोथ आईडीज, गो एंड फॉलो हिम। एंड अगर आपको मेकअप करवाना है इन हैदराबाद और एनी वेयर, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, इज अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट। सो या, सी यू गाइज, बाय। अरे उसके साथ डांस भी तो होना चाहिए गाने के साथ। मेरे को डांस नहीं आता, मेरे को खाली बस सॉन्ग आता। कौन सा सॉन्ग डांस आता? जय जय शंकर। हां गाओ गाओ जय जय शंकर। हां ओ खाना खा के एंड नाउ आई एम बैक एट माई होटल। एंड मेरा इतना, मैंने इतने दिन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना सारा खाना खा लिया है कि मेरा पेट फुल हो गया है इतना ज़्यादा। रात को मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाना खाती हूँ। अगर मुझे दो रोटी की भूख है तो मैं एक खाती हूँ। आज मैंने बहुत सारा खाना खा लिया आज, मतलब बहुत मज़ा आया, फुल एकदम पेट टमी फुल हो गया मेरा। मेरे को ऐसे नशा हो गया खाने का। ऐसा लग रहा है मैंने कोई नशा कर लिया खाने का, क्योंकि खाने के बाद ऐसे नींद आ जाती है ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में, उसके बाद मिलते हैं। बाय गाइस, लव यू। मेरा रूम खोलना था, थैंक यू। सो मेरे रूम की की जैसे आपको पता है, या अगर नहीं होता तो नो, ओके।
person who's pulling his leg. Hi. That room. Left. 116. 8 number. 678. Oh. 8 number. Banta hai na total. Huh? Nothing. सो मैं पहुंच गई हूँ रूम में एंड वन सेकेंड में ये मेरे शूज की लाइटें फिर ऑन हो गई है इसको मेरे को बंद करना है और जो जिनके लिए आज मैंने शूट किया था उनका क्या कॉन्सेप्ट है गाइस कि अगर आपको अभी फिलहाल ये हैदराबाद में है बट इट्स ओपनिंग ऑल ओवर इंडिया उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे बाई चांस हम किधर जा रहे हैं घर है ना और किधर शादी में या फंक्शन में किधर जा रहे हैं तो हमने स्टिच करवाना है ना या फिर हमें किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें सूट स्टिच करवाना है तो या फिर हमें कहीं कुछ फिटिंग करवानी है ब्लाउज़ की या फिर कुछ भी तो टेलर आपके घर पे आएगा ऐसा कॉन्सेप्ट किधर भी नहीं है इंडिया में अभी तक शी इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने ये कॉन्सेप्ट किया है कि फर्स्ट पर्सन जिनके घर पे आपके घर पे टेलर आएगा आपका नाप लेगा आपको फिट करके वहीं के वहीं आपको दे देगा जैसे बाय चांस क्या हुआ था उन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी लाइक जैसे एक बार उनको किधर शादी में जाना था ठीक है मुझे उनके फादर ने ये स्टोरी बताई थी उनको शादी में किधर जाना था और उनका थोड़ा सा यू नो फिटिंग नहीं आ रहा था वो और उनको वही ड्रेस पहनना था शादी में बट सडनली रात को कुछ नहीं मिला तो फिर उनके दिमाग में आइडिया आया था कि मुझे ये काम खोलना है कि ये टेलर घर पे जाके सिलाई करके दे देगा और सो ये उनका लाइक काम है उनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं जो आज मैंने क्लिक की हैं पिक्चर्स ओह माय गॉड आई लव द ड्रेसेस गाइस दैट वाज रियली 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 अमेजिंग एंड आई हैड सो मच फन एंड अभी फ़िलहाल मैं लगी हूँ सोने अभी मैं प्रे करके सो जाऊँगी मस्त कपड़े चेंज करके और अपना मूड होके और या दैट्स इट इस व्लॉग को हम यहीं करेंगे एंड गाइज आई एम सुपर टायर्ड आई लव यू गाइज अ लॉट आई एम गोना अभी मुझे क्योंकि व्लॉग एडिट करके पोस्ट करके सोना है मैं सुबह उसको पब्लिक कर दूँगी फुल कैप्शन वैप्शन डाल के जो भी डालना है सो या गुड नाइट आई लव यू सो मच गॉड ब्लेस यू बी पॉजिटिव पॉजिटिव लोगों के साथ रहो पॉजिटिविटी फैलाओ एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड लव योर सेल्फ खुद से प्यार करना कभी मत भूलना दैट्स द मेन की टू एवरीथिंग सो या लव यू गाइज गॉड ब्लेस यू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो और आपको पता है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं नीचे सब्सक्राइब बटन है प्लीज उसे दबा दो बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि आप कोई नोटिफिकेशन ना मिस करें एंड जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है थैंक यू सो मच गाइज एंड आई लव यू गाइज अ लॉट एंड या दैट्स इट ये रात तक यहीं तक टाटा बाय बाय गॉड ब्लेस यू गुड नाइट सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय